फाइनली दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां एक तरफ तो हनुमान रुकने का नाम नहीं ले रही और दोस्तों ये फिल्म आज बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बनने जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ है दोस्तों सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म गुंटूर कारम जो की इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज अपने तीसरे दिन भी एक और नया इतिहास रच रही है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर चल रही फिल्म गुंटूर कारम, कैप्टन मिलर, हनुमान, मैरी क्रिसमस और पिछले तीन हफ्तों से शानदार कमाई कर रही फिल्म सलार और डंकी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों कि इन चारों ही फिल्मों में इस हफ्ते की बाजी किसने मारी है और डंकी और सलार में बॉक्स ऑफिस का किंग कौन बना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म कैप्टन मिलर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में जो कि दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज अपने तीन दिन पूरे कर रही है और इन तीन दिनों के बाद भी दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शंस हैं वो बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छे आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बताते चले कि अरुण माथेश्वरन के डायरेक्शन में बनने वाली कैप्टन मिलर जिसके लीड में आपको धनुष, प्रियंका अरुल और शिवा राजकुमार नजर आने वाले हैं। यह फिल्म दोस्तों एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे की ऑल ओवर इंडिया में 1600 स्क्रीन पर हिंदी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषा में रिलीज किया गया था, जहां पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो एक तरह से एक शानदार ओपनिंग ली और इंडिया से जहां 11 करोड़ रुपए कमाए तो वहीं दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 17 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही। सुपरस्टार धनुष की इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच में अच्छी एक्साइटमेंट थी, साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर को भी ऑडियंस ने पसंद किया था। बता दें दोस्तों आपको कि धनुष की इस फिल्म में धनुष का काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला है, स्टोरी भी दोस्तों ऑडियंस को काफी पसंद आई है। यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो दुनिया भर से 16 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन दोस्तों अपने दूसरे दिन इस फिल्म के कलेक्शन में एक बार फिर से शानदार होल्ड देखने को मिला और इस फिल्म ने 13 करोड़ रुपए की कमाई दुनिया भर से की है। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का शुरुआती दो दिनों का कलेक्शन 29 करोड़ रुपए का दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर हो चुका है और दोस्तों सुपरस्टार धनुष की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रही है। लेकिन अगर बात की जाए आज यानी कि अपने तीसरे दिन की, तो दोस्तों आज भी इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो 2,30,00,000 रुपए की है। हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई कई जगहों पर दोस्तों इस फिल्म के अधिकतर शो हाउसफुल है। यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म आज अपने तीसरे दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां एक बार फिर से 10 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दोस्तों ओवरसीज से लगभग 5 करोड़ रुपए कमा रही है। ऐसे में इस फिल्म का आज अपने तीसरे दिन का कलेक्शन 15 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रहा है और दोस्तों ये फिल्म तीन दिनों के वीकेंड में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 44 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी होगी। धनुष की इस फिल्म का जो बजट है वो 65 करोड़ रुपए का है, ऐसे में इस फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 80 करोड़ रुपए की कमाई करनी है और अब देखना यही है दोस्तों कि क्या ये फिल्म 80 करोड़ रुपए के आंकड़े को अपने शुरुआती एक हफ्ते में पार कर पाती है या नहीं। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर बॉलीवुड की फिल्म मैरी क्रिसमस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में जो कि दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस का तो दिल जीती रही, साथ ही साथ दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बताते चले कि श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनने वाली एक थ्रिलर फिल्म है मैरी क्रिसमस जिसके लीड में दोस्तों आपको कैटरीना कैफ, विजय सेतुपति और संजय कपूर नजर आने वाले हैं। यह फिल्म दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में हिंदी, तेलुगु, तमिल लगभग 1500 स्क्रीन पर रिलीज की गई है जिसे कि ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिलते हुए नजर आए, साथ ही साथ दोस्तों क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को अच्छी रेटिंग्स दी है। इस थ्रिलर फिल्म को दोस्तों ऑडियंस ने अपने पहले दिन तो 2,55,00,000 रुपए की शानदार ओपनिंग दिलाई जो कि एक तरह से इस तरह की जेनर की फिल्मों के लिए काफी अच्छी ओपनिंग है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म के सेकेंड और थर्ड डे के कलेक्शंस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि मैरी क्रिसमस ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन जहां 5 करोड़ रुपए कमाए थे, तो वहीं दोस्तों अपने दूसरे दिन भी इस फिल्म के कलेक्शंस में काफी अच्छी ग्रोथ देखी गई और इस फिल्म ने जहां हिंदी बॉक्स ऑफिस पर ही 3.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच किया, तो वहीं दोस्तों तमिल और तेलुगु को मिलाकर यह फिल्म 4 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रही। अपने शुरुआती दो ही दिनों में इस फिल्म के कलेक्शंस 6.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर पार कर चुके थे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात की जाए तो दोस्तों
दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म 12 करोड़ रुपए की कमाई शुरुआती दो दिनों में कर चुकी है। लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म के आज यानी कि अपने तीसरे दिन की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म की भी आज की जो एडवांस बुकिंग है वो 90 लाख रुपए की है। इस फिल्म के आज के कलेक्शंस में लगभग 25% की ग्रोथ देखी गई है और यही वजह है कि ये फिल्म आज अपने तीसरे दिन ऑल ओवर इंडिया से जहां 4.5 से 5 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रही है, जिससे कि इस फिल्म का 3 दिनों का वीकेंड कलेक्शन 10 करोड़ रुपए का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर पार कर चुका होगा। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म लगभग 19 करोड़ रुपए कमा चुकी होगी और बॉक्स ऑफिस पर एक तरह से एक हिट ट्रेंड कर रही है। बजट दोस्तों इस फिल्म का मात्र 40 करोड़ का है, ऐसे में इस फिल्म को हिट होने के लिए 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर करनी है। देखना यही होगा दोस्तों कि क्या ये फिल्म लंबे वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर पाती है या नहीं। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर फिल्म गुंटूर कारम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसके लीड में आपको सुपरस्टार महेश बाबू के साथ साथ श्रीला जगपति बाबू और प्रकाश राज भी नजर आने वाले हैं। त्रिविक्रम सर के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों गुंटूर कारम एक फैमिली एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे कि ऑल ओवर इंडिया में लगभग 1500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। और दोस्तों इन 1500 स्क्रीन पर इस फिल्म ने जहां अपने पहले दिन तो हिस्टोरिकल ओपनिंग लेते हुए महेश बाबू के कैरियर की सबसे बड़ी ओपनिंग ली, तो वहीं दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। बताते चले दोस्तों आपको कि गुंटूर कारम से त्रिविक्रम सर और महेश बाबू एक बार फिर से एक सुपर हिट कॉम्बो लेकर आए, जिसके ट्रेलर को ऑडियंस की तरफ से काफी पसंद किया गया था। यही वजह रही दोस्तों कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक हिस्टोरिकल ओपनिंग ली और 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई सिर्फ तेलुगु वर्जन में ही कमाने में कामयाब रही। ऑडियंस दोस्तों इस फिल्म को पसंद कर रही है, साथ ही साथ दोस्तों क्रिटिक्स ने इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज दिए हैं। लेकिन बावजूद इसके गुंटूर कारम ने दोस्तों अपने पहले ही दिन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 73 करोड़ रुपए कमाए। अपने दूसरे दिन भी दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस में काफी अच्छा होल्ड देखने को मिला, जबकि दोस्तों इस फिल्म का क्लेश 5 से 6 बड़ी फिल्मों से हुआ है। लेकिन बावजूद इसके दोस्तों इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन भी ऑल इंडिया ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर जहां 35 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रही और इसी के साथ इस फिल्म के शुरुआती 2 ही दिनों के कलेक्शंस इंडियन ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर 85 करोड़ रुपए के हो चुके हैं। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन 40 करोड़ रुपए के आंकड़े को छुआ, यानी कि लगभग 113 करोड़ रुपए की कमाई ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती 2 दिनों में कर चुकी है। इस फिल्म का बजट 130 करोड़ रुपए का है और दोस्तों इस फिल्म को हिट होने के लिए 160 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर करनी है। फिलहाल में तो दोस्तों ये फिल्म 2 ही दिनों में अपने बॉक्स ऑफिस की रिकवरी करती ही नजर आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म के तीसरे दिन की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि आज के भी इस फिल्म के लगभग 80% से ज्यादा शो हाउसफुल है। हैदराबाद में दोस्तों इस फिल्म के पास लगभग 400 शो है और उन 400 शो में से दोस्तों ये फिल्म 260 शो से ज्यादा आज भी हाउसफुल वोट के साथ देखी जा रही है। यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म आज अपने तीसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से 30 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करती हुई नजर आ रही है, जिससे कि इस फिल्म का इंडिया में कलेक्शन हो चुका होगा 115 करोड़ रुपए का। दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म आज लगभग 35 करोड़ रुपए कमा चुकी होगी और दुनिया भर में इस फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चुका होगा लगभग 148 करोड़ रुपए का। इन 148 करोड़ के साथ ही दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल में तो एक हिट ट्रेंड कर रही है। आने वाले दिनों में दोस्तों इस फिल्म को 15 से 20 करोड़ रुपए की कमाई और करनी है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित होगी। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर आप इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पिछले 3 हफ्तों से शानदार कमाई कर रही फिल्म डंकी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डंकी, जिसके लीड में आपको सुपरस्टार शाहरुख खान, तापसी पन्नू और विक्की कौशल नजर आए थे, ये फिल्म दोस्तों एक सोशल कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसका डायरेक्शन किया है राजकुमार हिरानी ने। और दोस्तों इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में लगभग 4000 स्क्रीन दी गई थी। इन 4000 स्क्रीन पर दोस्तों इस फिल्म ने जहां अपने पहले दिन तो 29 करोड़ रुपए से बड़ी ओपनिंग इंडिया से ली और 58 करोड़ रुपए दुनिया भर से कमाए, तो वहीं दोस्तों ऑडियंस की तरफ से मिलने वाले शानदार रिव्यूज की वजह से इस फिल्म ने पहले ही हफ्ते में 160 करोड़, दूसरे हफ्ते में लगभग 46 करोड़ और तीसरे हफ्ते में लगभग 10 करोड़ रुपए कमाए। बताते चले दोस्तों आपको कि डंकी ने अपने शुरुआती 24 दिनों तक इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 223 करोड़ 27 लाख रुपए कमा लिए थे। लेकिन दोस्तों ये फिल्म आज अपने 25वें दिन भी एक बार फिर से काफी अच्छी कमाई करती हुई नजर आ रही है और इस फिल्म के आज के कलेक्शंस 1 करोड़ रुपए के आ रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म का टोटल 224 करोड़ 27 लाख रुपए का हिंदी नेट बॉक्स ऑफिस पर हो चुका होगा। दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म 457 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी होगी और बॉक्स
बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हो रही है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर फिल्म सलार द सीज फायर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सलार द सीज फायर, जिसके लीड में आपको पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास के साथ साथ श्रुति हासन और पृथ्वीराज सुकुमार नजर आने वाले हैं, यह फिल्म दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 4,500 स्क्रीन पर हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज की गई थी। और इन 4,500 स्क्रीन पर दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन 100 करोड़ रुपए से भी बड़ी ओपनिंग ली। बताते चले दोस्तों आपको कि ऑडियंस सलार का इंतजार काफी बेसब्री से कर रही थी। यही वजह है कि इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन 173 करोड़ रुपए की हिस्टोरिकल ओपनिंग ली। ऑडियंस की तरफ से मिलने वाले शानदार रिव्यूज के बाद इस फिल्म ने भी अपने पहले ही हफ्ते में हिंदी नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां 95 करोड़ रुपए कमाए और दुनिया भर से लगभग 567 करोड़ रुपए कमाए, तो वही दोस्तों अपने दूसरे हफ्ते में भी इस फिल्म के कलेक्शन हिंदी नेट बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ रुपए के रहे, जो कि एक तरह से टंकी के बराबर ही थे। लेकिन दोस्तों अपने तीसरे हफ्ते में इस फिल्म ने हिंदी से 16 करोड़ रुपए कमाए, तो वही दोस्तों अपने चौथे हफ्ते में भी ये फिल्म काफी अच्छी कमाई करती हुई नजर आ रही है। अपने 22वें दिन इस फिल्म ने टोटल 60 लाख रुपए कमाए, तो वही दोस्तों कल अपने 23वें दिन इस फिल्म के कलेक्शन 1 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रहे। आज भी ये फिल्म लगभग 1,60,00,000 रुपए की कमाई ऑल ओवर इंडिया से कर रही है, जिससे कि इस फिल्म का टोटल हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 156 करोड़ रुपए का हो चुका होगा। ऑल इंडिया ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 550 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है, जबकि दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 720 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। यह फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ग्रोसर बन चुकी है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म हनुमान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जो कि दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई कर रही है और दोस्तों किसी भी मीडियम बजट फिल्म के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनिंग और वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोसर बनने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि प्रशांत वर्मा के सिनेमेटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है हनुमान, जिसके लीड में आपको तेजा सज्जा और अमृता अय्यर नजर आने वाली है। ये फिल्म दोस्तों मात्र 40 करोड़ रुपए के बजट के साथ बनाई गई है, जिसे कि ऑल ओवर इंडिया में मात्र 1800 स्क्रीन दी गई थी। और इन 1800 स्क्रीन पर इस फिल्म ने जहां अपने पहले ही दिन हिस्टोरिकल 25 करोड़ रुपए की कमाई दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर की, तो वही दोस्तों ऑडियंस की तरफ से मिलने वाले धमाकेदार रिव्यूज के बाद इस फिल्म के अपने दूसरे दिन के कलेक्शन में भी काफी धमाकेदार ग्रोथ देखी गई। वैसे तो दोस्तों साउथ फिल्मों को अपने पहले दिन अच्छी ओपनिंग मिलती है और दूसरे दिन उन फिल्मों के कलेक्शन कम हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों यहां पर हनुमान ने अपने पहले भी दिन अच्छी ओपनिंग ली और अपने दूसरे दिन इस फिल्म के कलेक्शन में लगभग 50% से ज्यादा ग्रोथ देखी गई। और यही वजह है कि यह फिल्म अपने दूसरे दिन भी हिस्ट्री क्रिएट करने में कामयाब रही। हिंदी में ही दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन 2,60,00,000 रुपए कमाए थे, लेकिन दोस्तों अपने दूसरे दिन इस फिल्म के कलेक्शंस नॉर्थ इंडिया से भी लगभग 3,80,00,000 रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रहे हैं। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का शुरुआती दो ही दिनों का हिंदी नेट बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन है वो तो लगभग 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। लेकिन अगर बात की जाए वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों अपने पहले दिन प्रीमियर के साथ 30 करोड़ रुपए की शानदार ओपनिंग लेने वाली इस फिल्म ने दूसरे दिन भी 25 करोड़ रुपए की कमाई दुनिया भर से की। और आज अपने तीसरे दिन भी दोस्तों ये फिल्म जहां हिंदी में ही 6 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रही है, तो वहीं दोस्तों ऑल इंडिया से ये फिल्म लगभग 18 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है। दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म के आज के भी कलेक्शंस 25 से 26 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों ये फिल्म आज लगभग 80 करोड़ रुपए के आंकड़े को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर पार कर चुकी होगी, जिसमें दोस्तों हिंदी से इस फिल्म के कलेक्शंस 12 करोड़ रुपए के नेट में हो चुके होंगे। दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म एक सुपर ब्लॉकबस्टर ट्रेंड कर रही है। जिस स्पीड से दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग ली है, उम्मीदें हैं दोस्तों कि ये फिल्म 200 करोड़ के क्लब में तो आसानी से शामिल हो ही जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों हिंदी में भी इस फिल्म के कलेक्शंस 100 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हनुमान बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ी फिल्म बनेगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।